रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, तुम ही फ्यूचर हो हमारा आगे का, समझ रहे हो? तुम ही फ्यूचर हो। हमने तो कर ली पढ़ाई, अब हम पढ़ाएंगे तुम्हें, हमने कर लिया। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है, हमसे भी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है लाइफ में, ठीक है? चलो ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं। देखो आज का चैप्टर है ना डी एंड एफ ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट लिखा है क्योंकि वो स्टार्ट करना है हमें, ठीक है? तो बेसिकली ये जो तुम्हारा सीबीएसई वाला है बोर्ड में, ये चैप्टर 7 मार्क्स का आने वाला है, लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव में, ये तुम्हारे नीट में और तुम्हारे जेई में, जेई में तो आई थिंक एक ही आता है इससे क्वेश्चन, नीट में कई बार दो दो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो तुम लगा सकते हो 4 से 8 नंबर का नीट में आता है ये चैप्टर, और 4 मार्क का तुम्हें उसमें मिल जाता है जेई, मतलब एक दो क्वेश्चन रहता है, एक तो आता ही आता है, सेकेंड क्वेश्चन के आने के थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को भी उतना ही अच्छे से पढ़ना है जैसे हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, बस फर्क इतना है कोऑर्डिनेशन में थोड़ा समझने का ज्यादा था, आराम से करेंगे। वैसे मैंने ये सोचा कि 4 दिन में ही खत्म करा दूंगी चैप्टर, मैंने सोचा था आज थोड़ा भगा लूंगी, लेकिन मुझे अंदर से नहीं वो अच्छी वाली फीलिंग आ रही भगाने वाली, मुझे ये, और आज फर्स्ट क्लास है ना, थोड़ा धीरे ही चलूंगी चाहे जितना भी हो, ठीक है? ओके, तो हाँ मैं क्या कह रही थी, कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर था बच्चे, वो समझने वाला बहुत ज्यादा था, उसमें हर एक चीज के पीछे कंसेप्ट था कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। डी ब्लॉक में ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, छोड़ के मत भागना, डी ब्लॉक में ना थोड़ी एक्सेप्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी है, लेकिन हाँ इतना प्रोमिस करती हूँ वो सारी एक्सेप्शन तो मैं रटवा दूंगी अच्छे से कि भैया ये है, ऐसे ऐसे है, ठीक है? तो उसकी तुम टेंशन ना लो, बस मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज बच्चे, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये वाला मुझे पता है कल तुम्हारा टेस्ट है, आई नो, जब तुम ये लेक्चर लेके जाओगे, जब तुम ये लेक्चर अटेंड करके बैठोगे घर पे, सोने से पहले रात को जितना मैंने करवाया ना, एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, अभी मत करना, कुछ बच्चे अगर लेके बैठे एनसीईआरटी की बुक तो अभी मत करना बच्चे, मैं उन एक्सेप्शन के पीछे रीजन बताऊंगी, जिनका रीजन मुझे ढूंढा है मैंने उसके बताऊंगी, ठीक है? जिसके नहीं है उसके लिए ट्रिक बताऊंगी। एनसीईआरटी करना आपको, सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, चाहे वो जेई के बच्चे हैं चाहे वो नीट के बच्चे हैं, एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है इस चैप्टर के लिए। तो जब आप रात को सोएंगे उससे पहले जितना आज मैंने कराया, जितना भी मैंने कराया, चाहे थोड़ा कराया चाहे ज्यादा कराया, 20 मिनट देंगे उसको, बस 20 मिनट बहुत है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, पेन उठाएंगे, पेंसिल, हाइलाइटर जो भी है तुम्हारे पास उसको उठाओ और लगाओ, और जो मैम ने आज, यानी कि जो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये यहाँ से क्वेश्चन आता है लिखो इसको, यहाँ से क्वेश्चन आता है लिखो उसको, नोट डाउन करो, वो अपनी बुक में लिखोगे। इसके नोट्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई फायदा नहीं है इसके नोट्स बनाने का, आपको जो नोट्स मिलते हैं वो आप एक काम करना, जो आपको नोट्स मैं देती हूँ उसको लेके अपने नोटबुक में मत लिखना, अपनी बुक खोलना, ठीक है? वहां पे देखना मैम ने अच्छा ये एक्सेप्शन बताई थी, मार्क करो उसको हाइलाइटर से, पेन से, पेंसिल से, जिससे भी तुम्हारा मर्जी हो, मन करे, ठीक है? ऐसे करना है ये चैप्टर, और एंड में जाके पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इस चैप्टर को लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। 52 स्टूडेंट्स हो गए, तो भैया रिक्वेस्ट है आप आए हो आज, मुझे पता है कुछ बच्चे मेरा मैसेज देख के आए हैं कि मैम आज नया चैप्टर स्टार्ट करा रही है, तो आई रिक्वेस्ट कि ये जो 52 स्टूडेंट्स है ना, 1 घंटे तक मेरे साथ ही रहें और समझें इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हम, ठीक है? तो बच्चे डी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें दर्शन करा दूं, वैसे ये सब हम पढ़ने वाले हैं, इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ सीधा, ठीक है? यहाँ पे आप सबको पीरियोडिक टेबल दिख रही है क्या, देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम, ठीक है, यस मैम। पहले तो हम देख लेते हैं कि पोजीशन कहाँ होती है डी ब्लॉक की। तुम्हें पता है एस और पी के बीच में जो आपका है डी ब्लॉक जो है वो लाई करता है, सबसे नीचे तुम्हारा एफ ब्लॉक वाला होता है, ठीक है? द एलिमेंट्स लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है? उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जोश होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने में सब में, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है? बीच में, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चे डी ब्लॉक की, वो
एस और पी के बीच में लाई करती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। किसको? डीप लोक। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होते हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले क्योंकि चैप्टर हम डीप लोक पढ़ रहे हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, तो ये समझ लो इसको ट्रांजिशन वर्ड क्यों लिखा गया है, ठीक है? क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज है, जो द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? अच्छा, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो कौन कौन सी सीरीज है। बेसिकली ये तीन सीरीज है। ये कौन सी है? 3D सीरीज। आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, बेशक 4D सीरीज याद मत करना, 5D मत करना, लेकिन 3D सीरीज सबको याद होनी चाहिए। स्कैंडियम से जिंक तक सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके नाम, उसका एटॉमिक नंबर सबको टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए। ये आपकी 3D सीरीज है नीचे वाली। ट्रिबियम टू कैडमियम आपकी 4D सीरीज है, उसके नीचे वाली 5D सीरीज है। 6D सीरीज हम इतना डिस्कस नहीं करते, वो इनकम्प्लीट है, पहली बात तो ये, ठीक है? फिर एक बार मैं याद करवा देती हूँ, मैंने कैसे बोला था, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, कोबाल्ट ऐसे याद रखोगे, निक्कर कुर्ता जिंक, ठीक है? ऐसे याद करना है ये वाला। अगर तुमने कोई और निमोनिक बना रखी है प्लीज उसको फॉलो कीजिए, लेकिन मुझे नहीं पता, ये तुम्हें लर्न होने चाहिए 10 के 10 नाम, ठीक है? उसके बाद ये इसको चाहे मत करना, इसको चाहे मत करना, इसको चाहे भूल भी जाना, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मैं इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करने वाली पूरे डी ब्लॉक वाले के केस में, ठीक है? उसके बाद ये देखो, आपको वैसे तो इनके सबके नाम याद होने चाहिए। देखो अगर आपको 3D सीरीज का नाम याद है ना, 4D का भी हो जाएगा। कैसे? देखो, टिटेनियम, जिरकोनियम, होफमियम, टिटेनियम, जिरकोनियम, होफमियम, ये बिल्कुल ऐसे एक रिदम सी बन जाती है, ठीक है? इसको आप कैसे रखोगे? वी नोबिता, वी नोबिता, समझ रहे हो? वी नोबिता, इसको ऐसे ध्यान रखोगे। क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन, ये ऐसे याद हो जाता है। इसके लिए ट्रिक मैंने भी कभी याद नहीं की, अगर तुम्हें कोई गूगल से मिलती है तो तुम देख सकते हो, बाकी मैंने इसको ऐसे याद रखा है, क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन। इसका कैसे करोगे? मान जा टीना चावला रे, ATC, मैंने नाम से याद रख रखा है, टीना चावला, ठीक है? मान जा टीना चावला रे, ठीक है? ये कैसे याद करोगे? आयरन रूट गया ओसम, आयरन रूट गया ओसम, आयरन रुदेनियम ओस्मियम, ठीक है? इसको कैसे करोगे? कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ये ऐसे, हाँ ये याद करो खुशबू, हाँ ये जो तीन है इतने याद करने हैं, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ये भी ऐसे याद हो जाएगा। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सारे एक रिदम सी बन रही है इनको बोलते वक्त। उसके बाद इसको कैसे याद करोगे? सबसे सस्ता कौन होता है? तांबा, कॉपर। उसके बाद सिल्वर, सबसे महंगा गोल्ड, इसको ऐसे ध्यान रखोगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है? उसके बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने ऐसे याद कर रखा है इसलिए तुम्हें ऐसे बता रही हूँ। अगर तुम्हें कोई लगता है कि ये मतलब मुश्किल हो रहा है तो तुम अब गूगल पे बहुत सारे निमोनिक्स मिल जाएंगी जी दुनिया भर की, तो तुम कर सकते हो। पहले वाली सीरीज को कैसे ध्यान रखोगे? स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, कोबाल्ट को ऐसे याद रखोगे, निकल, सॉरी, उसके बाद मैंने निकर, कुर्ता, जींस या कुछ भी बोल लो, जिंक पहन लिया, ऐसे याद रखोगे, ठीक है? हाँ मैंने बताया था, एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मैम फिर बता दो, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके बच्चे, उसके बाद, हाँ कुछ कह रहे हो अंकुश मैम? पीरियोडिक टेबल की स्लाइड दिखाना एक मिनट, ये लो। ठीक है, आपको सिर्फ ये तीन वाली 6D सीरीज वाली भूल जाना, बस इन तीनों के नाम याद रखना, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ देखो, इधर यहाँ देखो, जो ये आपका 5D और 6D सीरीज है उसमें कई लेंथनम और एक्टिनियम है, सबको दिख रहा है, जिसपे मैंने ये येलो रेड से अलग से हाईलाइट किया हुआ है। देखो लेंथनम का, लेंथनम का क्या है बच्चे, एटोमिक नंबर 57 है, उसके बाद 72 आ गया। तो इन्होंने क्या किया, जो लेंथनम और एक्टिनम में है ना, उसमें 4F में इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें ध्यान से सुन लो, 4F में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए लेंथनम और एक्टिनोइड्स को अलग से सीरीज बना के लिख दिया इस तरह से, देखो इस तरह से, और उनको नाम दे दिया एफ लोक एलिमेंट्स, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन उनके एफ ऑर्बिटल, 4F ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, ठीक है? तो उसको नाम दे दिया एफ लोक एलिमेंट्स, ठीक है? इनको क्या बोला जाता है, एफ लोक एलिमेंट्स को, तुम्हें पता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है,
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला, इनर क्यों बोला जाता है क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही लाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से अलग है, तभी इनको हटा के अलग लिख दिया गया है आशुतोष, ठीक है, अलग लिख दिया गया है हटा के, ठीक है, तभी इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीचों बीच में ही होते हैं, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से डिफरेंट है, तो इन्होंने क्या किया, इसकी दो अलग से सीरीज बना दी और उसका नाम दे दिया तुम्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट से, या यू कैन से इनर ट्रांजिशन। बच्चे लेंथनम एंड एक्टिनोड्स तुम्हारे एफ ब्लॉक में, ये देखो आशुतोष बेटा इधर देखो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमारा मेन पहले रहेगा कि हमें डी ब्लॉक खत्म करना है अच्छे से। एफ ब्लॉक तो बहुत इजी है, एफ ब्लॉक बहुत इजी है, इसके लिए तुम्हें ट्रिक बताऊंगी कैसे याद रखना है, बहुत इजी है, बहुत इजी, और मैं तुम्हें बता दूंगी एफ ब्लॉक में बस ये क्वेश्चन आते हैं, वही वही करके चले जाना, ठीक है, ओके। उसके बाद है बच्चे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जनरल, हाँ तो ठीक किया ना, हाँ यही तो बोल रही हूँ बेटा, 5D सीरीज में लेंथेनॉइड है, 6D में एक्टिनॉइड है, क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया, कुछ गलत बोला क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नो मैम, बच अरे बच्चे फाइव डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, हाँ एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, डी में तो भैया डी वाले भी तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे ही जाते हैं, ऐसे तो नहीं है ना सिर्फ एफ में भरे जाते हैं, डी वाले ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से अलग हैं, इनको उठा के भैया अलग पढ़ा जाता है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो आगे, यस मैम, देखो इधर इसको डी ब्लॉक के साथ क्यों लिखा गया, इधर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक थोड़ा मिसिंग है, 54 के बाद 57 लिखा हुआ है, ये देखो सॉरी, ये रहा 54 जीनोन का, 55 सीजियम का, 56 बेरियम का, 57 लेंथनम का होता है, इसलिए भैया उसको डी ब्लॉक के साथ लिखा गया है। आशुतोष अब समझ में आया डी ब्लॉक के साथ क्यों लिखा गया इसको, ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग है तो उसको निकाल के अलग से लिख दिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद है बच्चे जनरल इलेक्ट्रो, हाँ हाँ बोलो बोलो मैम जी, सॉरी अभी जो आपने बोला वो समझ में नहीं आया, एक और बार बोलना। बच्चे मैं ये बोल रही हूँ, इधर देखो, देखो इधर यहाँ पे जीनोन का क्या है, 54 है ना एटॉमिक नंबर, 55 सीजियम का है, 56 बेरियम का है, राइट, लेंथनम का क्या है, 57 है, तभी उसको यहाँ लिखा गया डी ब्लॉक में, ठीक है, ऐसी एक्टिनियम का 89 है उसको लिखा गया, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से अलग है, तभी इनको जो है अलग से इनकी सीरीज बना दी गई है, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे चलो, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n-1 d 1 to 10 ns 2 0 to 2, यानी कि इसमें क्या होगा बच्चे, डी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से 10 के बीच में फिल होंगे और एनएस में 0 या तो होंगे ही नहीं, या 1 होगा या 2 होगा, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो मैं आपको सिर्फ 3D सीरीज के करा रही हूँ और आपको भी 3D सीरीज की ही याद करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25, यहाँ आएगा नहीं शायद, 26, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, अभी याद हो जाना चाहिए तुम्हें इनके नाम, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, कोबाल्ट कुर्ता निक्कर जिंक, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे, आपको पता है 21 में आर्गन तो पहले ही फिल होता है, पता है ना तुम्हें 18, उसके बाद किस में जाता है इलेक्ट्रॉन, 4s में, 4s2 3d1, समझ रहे हो मेरी बात, बोलो yes, ma'am. इसकी कैसे करोगे, टिटेनियम की कैसे होगी बच्चे, 4s2 3d2, वैनेडियम की कैसे होगी, 4s2 3d3, क्रोमियम की क्या होगी, 4s1 3d5, एक्सेप्शन है, कहाँ पढ़ा था हमने ये एक्सेप्शन,
ओ सॉरी, मैंने आई एम सो सॉरी। ठीक है, कहाँ पढ़ा था ये हमने? केमिक का, जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्रोमियम वाला एक्सेप्शन होता है, क्यों? क्योंकि डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, तभी हम 4s2 3d4 नहीं लिखते, 4s1 3d5 लिखते हैं। क्यों? क्यों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है? क्योंकि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन भैया उठ के 3d में चला जाता है। तो 4s1 3d5 मैग्नीज का क्या होगा? 4s2 3d5। आयरन का क्या होगा? 4s2 3d6। कोबाल्ट का क्या होगा? 4s2 3d7।7 वेरी गुड। निकल का क्या होगा? 4s2 3d8। 8 कॉपर का क्या होगा? 4s1 3d10। सेम रीजन इसका क्या होगा? जिंक का 4s2 3d10। तो 3d10 ध्यान रखना, कॉपर वाला, सॉरी, आपका क्रोमियम वाला और आपका कॉपर वाला, ये एक्सेप्शन है। कॉपर और क्रोमियम ये एक्सेप्शन है। कॉपर कॉपर का होता है 4s1 3d10, जबकि क्रोमियम का होता है 4s1 3d5। रीजन क्या है? रीजन क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? फुल्ली फील्ड, फिर हाफ फील्ड, फिर वो वाले जिनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन वाले ये स्टेबल है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनकी ऐसे लिखी गई है। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ कह रहे हो क्या सामने? कुछ कह रहे हो बच्चे? ठीक है, एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ही इनमें क्या हुई है? एक्साइटेशन हुई है। ठीक है, उसके बाद आओ, मुझे एक पेज और सही होगा, मैं एक पेज मैम और। जी, मैम हाँ जी बोलो जी, बेटा। जो आपने 21 BC में आर्गन को ऐड कर दिया था, उसका रीजन क्या है? मतलब उसका, मैम हाँ हाँ बोलो बोलो मनोज, बताओ बताओ मनोज बताओ। अरे बता दो, क्वेश्चन क्या था पूजा का? मैम पूजा का क्वेश्चन ये था कि जो आर्गन 18 आपने ऐड किया, इसका मतलब क्या है? यस मैम, उससे पहले 18 तक हो चुके थे ना कंप्लीट, तो वापस तो हम लिख नहीं लिख सकते ना, 1s2 2s2 बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस वजह से 18 तक आर्गन तक लिख लेते ना। आ गया समझ पूजा? मैम बस मुझे ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे आर्गन आया क्यों? मैम बच्चे, क्योंकि आर्गन का ही क्यों लेते हैं? बच्चे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है ना बेटा। मैम क्योंकि आर्गन किसी में भी ऐड नहीं हुआ है, बीसी के बगल वाला मतलब ना और ना, किसी में ऐड नहीं हुआ। नहीं 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 सब में ही है, सब में ही आर्गन है, मैंने वो दिखाया नहीं बेटा। अंडरस्टूड, मुझे लगा समझ गए होगे। सब में ही आर्गन है, सब में ही आर्गन है, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ वैलेंस वाली कॉन्फिगरेशन दिखाई है। ठीक है, नोबल गैस है इसलिए उसको मैंने हर किसी में शो नहीं किया, हाँ मेरे पास स्पेस नहीं था। ठीक है, अब आगे बच्चे ओके, समझ? हाँ जी मैम, चलो ठीक है, ओके। ओके। इसके बाद बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं भैया? ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को इसकी डेफिनेशन ही नहीं समझ में आती। तो लिखो ए ट्रांजिशन एलिमेंट, लिखो ए ट्रांजिशन एलिमेंट में 10b डिफाइंड एज एलिमेंट, ले जाओ इसको, हुज 1 मिनट दो लड़के। आप भी दरवाजे हाँ जी, ए ट्रांजिशन एलिमेंट में दस बी डिफाइंड एज एलिमेंट हुज एटम इन ग्राउंड स्टेट और आयन इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैज, हाँ जी बोलो, हैज इनकम्प्लीट डी सब शेल, ब्रैकेट में लिख सकते हो पार्शली फील्ड, पार्शली फिल्ड दैट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 1 to 9। क्या बोल दिया मैंने?
आप किसी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट तभी बोलोगे जब जब उस एलिमेंट का ग्राउंड, उस जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में या वो अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है 1 to 9 के बीच में हुए डी सबशेल में, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। समझे? आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट वही होंगे जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 to 9 होंगे। अगर जिसके पास 10 है इलेक्ट्रॉन या 0 है, आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है? या तो वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए या फिर उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। मतलब बेसिकली वो एलिमेंट जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है? अच्छा, जैसे अगर मानो मैं बात करूं जिंक की, जिंक का कॉन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चे, 4s2 3d10, ये अंडरस्टूड है? इससे यस आपका मैम, कार्बन है, तो ये क्या, ऐसी कैडमियम, ऐसी मरकरी क्या होगा, 5s2 3d4d10, 6s2 4d10। ठीक है? ये क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें फुली फील्ड पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, 1 to 9 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में दे रखा है। उसका रीजन सिर्फ हर बुक में यही दे रखा है, क्योंकि ये सबसे सीरीज के एंड में लाई करते हैं, तभी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ स्टडी किया जाता है। अदरवाइज इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं होती हैं। तो अगर कोई पूछे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आपका आंसर होगा नहीं, नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। समझ गए इस चीज को? यस मैम। मैम ठीक है। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं ना, क्या बच्चे? स्यूडो मैम ट्रांजिशन स्यूडो, एलिमेंट्स? हाँ बोल सकते हो, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोल सकते हैं। मैम ठीक है? जी एक हाँ मिनट। हाँ बोलो। मैम मैम जी इसमें ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट में जैसे मैं बताती हूँ, सपोज आपका बच्चे कॉपर है, यस मैम। देखो कॉपर क्या है, ग्राउंड स्टेट में, अगर मान लो मैं कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लूँ +1, तो ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर वो अपनी किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, अगर उसके पास डी ऑर्बिटल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसको कंसिडर करोगे एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम जिंक, कैडमियम, मर्करी की अगर मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, क्या उसमें वो होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, और +2 में भी क्या होता है, 3d10 होता है। तो ना तो ये अपने ग्राउंड स्टेट में आप इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, ना ही इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनको क्या बोलोगे बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। तो मैम इन्हें डी ब्लॉक में सिर्फ इसीलिए रखा गया ना क्योंकि वो सीरीज के एंड में आते हैं। हाँ, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती है। आगे चलें? ओके यस चलो आगे मैम। चलते हैं, हाँ आगे मैम, चलते हैं। ओके चलो, ये तो था बेसिक वाला कि क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएगा बिल्कुल भी। हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है इससे, वो भी सीबीएसई में आएगा, कॉम्पिटिटिव में नहीं आएगा। चलो उसके बाद है बच्चे, पहले तुम्हारा जनरल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना बहुत सारी एक्सेप्शन आने वाली है, हम उसको समझते हुए चलेंगे। जहां पे लर्न करना का होगा वहां पे मैं तुम्हें लर्न करवा के ही भेजूंगी। तो बच्चे फर्स्ट है तुम्हारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है? एक को पकड़ लो, एटॉमिक रेडियाई को पकड़ लो, आशुतोष बच्चे नोट्स में मिल जाएगी। देखो ये क्या है, 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज, ये है 5D सीरीज के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। पहले इस ग्राफ में देखो हो क्या रहा है। देखो स्टार्टिंग में तो क्या है, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, देख पा रहे हो सारे? फिर एक मिनट मैं कलर चेंज करती हूँ। पहले तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच में कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन एंड में जाके इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इसमें तीन चीजें आ रही हैं, पहले तो डिक्रीज हो रहा है, इधर देखो नीचे, पहले तो डिक्रीज हो रहा है, फिर बीच में जाके कॉन्स्टेंट हो गया, और फिर एकदम से बढ़ गया। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों हुआ। ठीक है? इसके हम क्या करेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे, फालतू की स्टोरियां नहीं लिखेंगे यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको समझते हैं। देखो जो आप अपने एस ब्लॉक में पढ़ते थे या पी ब्लॉक में जो एटॉमिक रेडियाई पढ़ते थे, वो क्या पढ़ते थे, आप ये बोलते थे कि लेफ्ट टू राइट
क्या पढ़ते थे कि लेफ्ट टू राइट आपकी एटॉमिक या आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है। हाँ वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट क्या होती है एटॉमिक, मैं एटॉमिक बोल रही हूँ, आयनिक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। वो आप क्यों बोलते थे, वो आप इसलिए बोलते थे क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि स्कैंडियम का मान लो 21 है, टिटेनियम का 22 है, तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, जो आपका एटॉमिक नंबर है उसी को बोला गया, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वही तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज है। तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट में भैया तुम्हारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसमें क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग पुल लगाएगा। जो भैया तुम्हारा न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्गली पुल करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ये तुमने कब सीखा था, 9th क्लास में भी सीखा था, 11th में भी सीखा है, 12th में भी सीखा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली पुल करेगा, जिसकी वजह से साइज क्या होता है बच्चे, डिक्रीज होता है। तो जो ये डिक्रीज हो रहा है उसका रीजन वही है, लिखो यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है ड्यू टू, लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बस इतना लिख के खत्म करो उसको, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। पहला तो ये हो गया, जो तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। फिर अब आएंगे हम दूसरे पॉइंट पे कि ये सेम क्यों हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तक क्या हो रहा था बच्चे, तुम्हारे डी ऑर्बिटल में अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसा करके, ये तुम्हारा 4s वाला है सपोज, ये तुम्हारा 3d है। अभी तक क्या हो रहा था, डी ऑर्बिटल में 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे, लेकिन क्या होगा जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे डी ऑर्बिटल में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। और तुम्हें अगर पता हो डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट, डी ऑर्बिटल क्या करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और ज्यादा आते रहेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कवर प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जिसकी वजह से दो बातें होंगी, एक तो क्या होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ जाएगा, दूसरा जो न्यूक्लियर चार्ज खींच रहा था दोनों वाले फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल का इतना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, तो न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है सेकंड वाले जिसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है, और तुम्हारा स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से जो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई में जो डिफरेंस आ रहा है वो ना के बराबर आ रहा है और बीच में जाके वो कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेकंड वाले पॉइंट में, कौन बताएगा मुझे सेकेंड वाले पॉइंट में, कौन बताएगा मुझे क्या लिखूं, न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट बैलेंस, काउंटर बैलेंस ईच अदर, यही लिखूं? यस मैम काउंटर बैलेंस। मैं बिल्कुल थ्योरी लिखने को लिख लोगे, लेकिन आपको क्या करना है, मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं, काउंटर बैलेंस ईच अदर। चलो हमने सेकंड वाले को भी देख लिया, अब देखो अब क्या हो रहा है थर्ड वाले पॉइंट में, क्या देखेंगे हम कि एकदम से बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि बच्चे अब क्या होगा, डी ऑर्बिटल में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, फिल होए जा रहे हैं, तो अब क्या होगा आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर था वो लेस डोमिनेंट हो जाएगा और रिपल्शन वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो जो डी ऑर्बिटल कंटिन्यूसली भरे जा रहे हैं डी ऑर्बिटल में, अब क्या होगा इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से रेडियाई क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। देखो 120 से एकदम से 38 हो गया, तो जिंक की रेडियाई सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। बस इतना लिख के छोड़ दो, खत्म कहानी। तो यहाँ पे तीन वाले फैक्टर है, पहले वाला जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भैया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, दूसरे वाले केस में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी रोल प्ले करेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। थर्ड वाले में रिपल्शन वाला फैक्टर जो होगा वो ज्यादा डोमिनेंट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो या तो तुम ये लिख दो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, या ये लिख दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रायोरिटी लेस देन है रिपल्शन वाले फैक्टर से, तो भी तुम समझ जाओगे, ठीक है। इस वजह से ये ग्राफ बच्चे ऐसे आ रहा है, ठीक है। और तुम्हें पता ही है डाउन द ग्रुप जाओगे तो रेडियाई बढ़ती है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन ये वाला पेपर में नहीं पूछा जाता, ये वाला पूछा जाता है, ठीक है। कोई तुमसे पूछ ले,
कोई तुमसे पूछ ले सबसे ज्यादा किसकी रेडियाई है, तो आप बोलोगे जिंक की है। ठीक है जी, तो तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर लोगे बच्चे, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, मिडवे में क्या हो रहा है, बोलो। ओके यस मैम। उसके बाद है यस मैम, उसके बाद है तुम्हारा मेटलिक कलेक्टर। देखो मेटलिक का क्या मतलब होता है, मेटलिक का मतलब होता है भैया, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। और जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तुम पढ़ते हो, लस्टर होते हैं, चमक होती है उसमें। ठीक है, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना इस बात को, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अगर मैं बात करूं तुम्हारे एल्कली मेटल्स की या तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो अगर मैं पूछूं दोनों में से सबसे अच्छे मेटल कौन है, तो तुम एल्कली मेटल का नाम नहीं लोगे, तुम लोगे सबसे अच्छे हैं भैया डी ब्लॉक वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, सोडियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लो दो सोडियम है, अगर सोडियम सोडियम का आप बॉन्ड देखना चाहते हो कैसे होता है, तो भैया दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। देखो अगर दोस्ती आप देखोगे तो बहुत कच्ची है, देख रहे हो इधर, दोस्ती बहुत कच्ची है। तभी जब आप लैब में सोडियम देखते हो, तो जब उसको आप एकदम से उससे नाइफ से काटो तो एकदम स्मूथली कट जाता है वो। इसीलिए कटता है क्योंकि दोनों के बीच मेटलिक बॉन्ड स्ट्रोंग नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? जब आप इनको देखोगे तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट को देखोगे भैया, उनको काटना आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं वो। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन था। ऐसे अगर आपको दोस्ती पक्की दिखानी है, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिखाने, तो भैया क्या होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोस्ती के लिए। हाँ या ना, बोलो। हाँ मैम। यस मैम। अगेन तो हाँ जी, हाँ जी बोलो। तो मेटलिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है बच्चे? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भैया जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी दोस्ती गहरी होगी, उतना मेटलिक बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू एटम आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उतना ज्यादा मेटलिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो तो द ग्रेटर द, चलो मैं लिख देती हूँ, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोंगर इज द, स्ट्रोंगर इज द बॉन्डिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Yes, ma'am. Unpaired electron. उसके बाद जिंक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा पेपर में, एग्जामिनर को पता है, ये सबको पता है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मेटलिक करेक्टर होगा भैया, उतने ज्यादा हार्ड होंगे। ठीक है, लेकिन लिखो जिंक, कैडमियम, मर्करी आर सॉफ्ट, आर सॉफ्ट क्यों होते हैं सॉफ्ट, कौन बताएगा? क्योंकि ये सोडियम ट्रांजिशन मेटल है। Because they don't have, इनके पास unpaired electrons नहीं है। शाबाश, because they don't have any unpaired electron, यहीं से ही question आएगा। मैम जी यहाँ पे unpaired का मतलब क्या है? Unpaired का electron का, देखो बच्चे मान लो किसी की configuration है D5 पूजा, तो कैसे लिखोगे 1 2 3 4 5, D में 5 orbital होते हैं ना, तो ये क्या है? Yes ma'am. बेचारे अकेले हैं, दोस्ती करने वाला नहीं है कोई, अकेले अकेले हैं, जो अकेले अकेले होते हैं उनको बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इनके इनके साथ आके मिल जाता है, दोस्ती कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कि पेयरिंग हो गई, हार्ड हो जाते हैं फिर। ठीक है जी, बोलो, इतना समझ में आया? तो मैम जो जिंक और ये सब जो है मैम, ये सब पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, किसमें किसमें, जिंक वाले में? यस मैम। हाँ सिंगल है बेचारे, आशुतोष क्या नाम है, अंकुश ने सही पकड़ा, सिंगल है बेचारे। ठीक है, हाँ ये बेचारे सिंगल नहीं है, तो इनको जरूरत ही नहीं है, ये बेचारे सॉफ्ट है, वैसे किसी और के साथ मिलके सॉफ्ट हो जाता है, तुम्हारी सारी शाना पट्टी निकल जाती है। ठीक है, चलो आगे चलो। उसके बाद आओ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिंपल है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि मेटलिक करेक्टर किस वजह से होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा आपका मेटल ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स आप पढ़े वो हार्ड होंगे, और अगर हार्ड होंगे तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। लिखो लिखो यहाँ पे स्ट्रोंग,
लिखो स्ट्रोंग मेटेलिक, बता देना भाई जब टाइम होगा, कहीं मैं पता चले पढ़ाने में इतना मस्त हो गया टाइम का नहीं पता चला। स्ट्रोंग मेटेलिक बोन, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझे इस चीज को? यानी कि ध्यान से सुना, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी दोस्ती गहरी होगी, उतने ज्यादा हार्ड होंगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए। ऑल्सो ऑल्सो दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव, एक सेकंड फिर से लिख दिया क्या, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लिखो, अमाउंट ऑफ लिखो, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस इनटू फ्री एटम। मतलब जो भैया लैटिस बना हुआ एटम का, उनको छोटे छोटे एटम के टुकड़ों में बट जाना, कितनी एनर्जी चाहिए उनको ब्रेक करने के लिए, वो आपकी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। तो जितनी एटमाइजेशन। ज्यादा एनर्जी आपको उस लैटिस को तोड़ने के लिए चाहिए, इट मींस उसकी उतनी ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। एटमाइजेशन ये तो सबको पता है। अब आ जाओ एक्सेप्शन पे, यानी कि जो मैंने तुम्हें समझाया अब तक आधे घंटे में, उसका मतलब ये हुआ कि जितने जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रोंग होगा, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लैटिस बच्चे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल पता है? यूनिट सेल पता है? अगर आप शायद सॉलिड स्टेट रिलेटेड है यूनिट सेल को इन। बच्चे 3D, अगर आप यूनिट सेल को रिपीट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। समझ रहे हो? अगर इस एक यस यूनिट मैम, सेल को यस मैम, आप रिपीट करते हो तो वो लैटिस बन जाता है, ठीक है? इसको छोटे को बोलते हैं यूनिट सेल और पूरे बड़े को बोलते हैं हम लैटिस, ठीक है? किसका लैटिस? किसका लैटिस? आपके मेटल का लैटिस, जैसे मान लो सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, उनको तोड़ने के लिए छोटे छोटे एटम में कितनी एनर्जी चाहिए, विच इज योर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है? एटमाइजेशन, अभी आओ, मैं भूल गई क्या बता रही थी। हाँ, जितना मैंने तुम्हें एक्सेप्शन। लिखवाया है, हाँ एक्सेप्शन बता रही थी, जितना मैंने तुम्हें लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी, यही रीजन होना चाहिए इसका। यानी कि यस अगर मैम, मैं यहाँ पे लिखूं मैग्नीज, मैग्नीज में तो भैया सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, क्योंकि 3D 4s2 3D5, ये भी मैं बताऊंगी कि कैसे, ठीक है? तो 2 यहाँ से निकलते हैं, 5 यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? तो इसके सबसे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन डायग्राम में तो हमें कुछ और ही दिख रहा है। ग्राफ में तो देखो क्या लिख रहा है, इस पे लगाओ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसा ग्राफ बना हुआ है, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आप क्या करोगे, ऐसे सर्कल लगाओगे और यहाँ पे दिखाओगे भैया जो मैग्नीज और टेक्टिनियम है, एक्सेप्शनली उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऐसे लगाओगे सर्कल और लिखोगे। वैसे तो इनका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली इन पे एक डिप आता है, देख पा रहे हो? क्रोमियम तक तो बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा क्रोमियम का होगा 3D सीरीज में, ठीक है? फिर उसके बाद एकदम से कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर एकदम से घट रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? इनका क्यों हो रहा है, लिखो यहाँ पे, कहाँ लिखोगे? यहीं पे लिखना ठीक रहेगा, एक मिनट रुको। तो कि मैग्नीज और टेक्टिनियम में क्या होता है बच्चे, इनकी हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन होती है। क्या होती है? हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन, डी फाइव कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फिग्रेशन होती है। और जो D5 वाले होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो भैया बॉन्ड बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं होते। ठीक है? हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन की वजह से इसलिए मैग्नीज और टेक्टिनियम में डिप आ रहा है, क्योंकि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो भैया नहीं देना, वो दोस्ती नहीं करना चाहते किसी से, सिंगल ही बहुत बढ़िया है वो, ठीक है? इस वजह से डिप आ रहा है, यस क्वेश्चन मैम, आएगा यहाँ से। ये होती है रीजनिंग जो कि आपके जेई नीट में पूछी जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है ऑलरेडी। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है, लिखो यहाँ पे लिखो, हाँ मोह माया से दूर, यहाँ लिखो टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
क्योंकि आशुतोष मैग्नीज के केस में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है D5, वो स्टेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं फुल्ली फील्ड को, फिर हम देखते हैं हाफ फील्ड को, फिर हम देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो हाफ फील्ड वाले भैया अपने आप में स्टेबल है। जैसे आप क्या कहते हो, नोबल गैस वाले किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि भैया वो स्टेबल है, उनको क्या ना वो देना चाहते हैं ना वो लेना चाहते हैं। ऐसे ही मैग्नीज है, हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन होने की वजह से, D5 होने की वजह से वो दोस्ती नहीं करते हैं, और दोस्ती नहीं करते तो इनका लैटिस जो होता है इतना ज्यादा वीक होता है कि कम एनर्जी देने पे ही वो टूट जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। यस के बाद बच्चे 3D से जब आप 4D से 5D सीरीज पे जाओगे तो आपका मेल्ट, देख पा रहे हो ग्राफ से, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। जब आप 3D से 4D, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कचड़ पचड़ हो गया ये सारा। 3D से 4D से 5D सीरीज में जा रहे हो तो इसमें आपका क्या हो रहा है बच्चे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। रीजन सिर्फ इसका छोटू सा यही रीजन है, क्योंकि तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और अगर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है तो जल्दी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, मतलब जल्दी से भैया दोस्ती करेंगे, तो उनका क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा किसका होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, टंगस्टन का होता है। ठीक है, टंगस्टन का होता है। नहीं, आशुतोष सबसे कम मैग्नीज का नहीं होता, सबसे कम जिंक का होता है, सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक का होता है, क्योंकि भैया उस बेचारे के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। समझ रहे हो, देख पा रहे हो क्या, ये देखो कितना कम है, मैग्नीज से भी कम है इनका। यहाँ पे नीचे इन्होंने दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा अजीब सा बना हुआ है ग्राफ, लेकिन समझो इस चीज को। ठीक है, जिंक का सबसे कम होता है, लिखो यहाँ पे, लिखो, तुम्हें लिखवाना पड़ता है, जिंक हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज, हाँ बिकॉज जिंक डज नॉट हैव मैग्नीज और टेक्टिनियम होता है बेटा, डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बताओ पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। हाँ मैम, और यहाँ पे ये भी लिख लो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्राई करूंगी कि सारे पॉइंट लिखवाते ही चलूं। उसके बाद देखो इधर। हाँ मैम जी, तो जी, मैम जी जिंक इन दोनों में कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो जिंक की होगी ना? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ो इसको। इन द सीरीज जिंक टू, सॉरी स्कैंडियम टू जिंक, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। देखो कितना है, सिर्फ इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों बता दोगे क्यों, जल्दी से कौन एक्सप्लेन करेगा? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस मैम। वेरी गुड, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। यस मैम। इनकी इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गया। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन, NCERT का ही है वैसे। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डेंसिटी वाला देख लो बच्चे। एक्चुअली डेंसिटी वाला ना, अच्छा ईशिका आज आ गई क्या? डेंसिटी वाला क्या है बच्चे, एक डेंसिटी का छोटा देख लो। तरुण बच्चे, मेटलिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे बॉन्ड कैसे बनवा दोगे बेटा? उसके बीच का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मैं आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल रही हूँ, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, मुझे पता है तुमने क्यों पूछा ये क्वेश्चन, कि मैम डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी, वो तो जिंक की ही ज्यादा होगी, जिसको भी मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, डेंसिटी में देखो बच्चे क्या है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एनर्जी कम बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस लैटिस को प्री एटम में तोड़ने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ,
जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो वॉल्यूम क्या होता है बताओ, कम होता है? यस मैम, डिक्रीज, डिक्रीज होता है। और डेंसिटी क्या होता है बच्चे? मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीजेस। बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? yes. कि जिंक की सबसे, एक सेकेंड मेरे को भी देखना पड़ता है थोड़ा, जिंक की डेंसिटी सबसे कम होती है। जिंक की डेंसिटी कम होती है, क्यों? क्योंकि जिंक वाले के केस में, लिखो यहाँ पे, जिंक वाले के केस में वॉल्यूम वाला फैक्टर क्या होता है? डोमिनेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है बच्चे? डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसको कहीं पे लिख लो नोट करके कि जिंक की डेंसिटी जो होती है कम होती है सबसे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है। ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया हुआ तो मैंने बता दिया। ठीक है, बस इसको ध्यान रखेंगे, जिंक की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद आओ आयनाइजेशन एनर्जी। कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? हैंड रेस करो बस। हैंड रेस करो। किसने? साइबा ने किया है, साम्या, अंकुश। हाँ साइबा बताओ। मैम किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए और उसके इलेक्ट्रॉन को आयन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं बोलूं गैसियस एटम, गैसियस वर्ड यूज करोगे है ना, गैसियस एटम है ना, आइसोलेट गैसियस एटम। हाँ आइसोलेट, वेरी गुड। आइसोलेट गैसियस एटम में से जब आप कौन से इलेक्ट्रॉन को बेटा, आउटर मोस्ट शेल को, जो आउटर मोस्ट या बोल दो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ती है वही क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। चलो जी, इतना तुम्हें पता है। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, इसमें मुझे बहुत सारे पॉइंट लिखवाने हैं, ये तो खत्म करवा के भेजूंगी। लेफ्ट टू राइट अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चे, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? ज्यादा होगी या कम होगी लेफ्ट टू राइट? हम ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि क्या होता है बच्चे, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्गली पुल करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से जब वो न्यूक्लियस भैया स्ट्रॉन्गली पुल करेगा तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ये हमने अभी तक पढ़ा था ऐसा, लेकिन भैया डी ब्लॉक है, एक्सेप्शन तो आएंगी, वो भी मैं बताती हूँ क्या एक्सेप्शन है। ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और तुम्हें वैसे ही पता है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है सेकंड से, और सेकंड वाली ज्यादा होती है फर्स्ट से, ठीक है। तो ये वाला फंडा थोड़ा सा माइंड में रखना। अभी हमें जो इसमें मेन करना है कि एक्सेप्शन क्या क्या है वो हमें ध्यान से देखनी है। तो जो जो पॉइंट बच्चे मैं तुम्हें लिखवाती जा रही हूँ ना वो लिखते जाना, ठीक है। जो मैं लिखवाती जा रही हूँ वो लिखते जाना। देखो इधर, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको। मैंने ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा, आपको याद नहीं करना है डेटा, सिर्फ समझना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है मैम ने। तो बच्चे ध्यान से देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसमें ना इरेगुलर ट्रेंड है, रेगुलर ट्रेंड है ही नहीं। हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है? क्रोमियम और जिंक पे। बच्चे हमें पता है लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो देखो 650 से 653 इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज बहुत कम हो रहा है। ध्यान से देखो, देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ये इसको हाईलाइट किया हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है, एकदम से बहुत ज्यादा वो हो रहा है, 745 से डायरेक्ट पहुंच गया बच्चे 906 पे। तो हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लो फर्स्ट, इसको ऐसे लिख दू, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है? क्योंकि बच्चे देखो इधर, हाँ तो ज्यादा तो होगा बच्चे, लेफ्ट टू राइट तो बढ़ता है ना। मैम वैनेडियम की कम क्यों है 650? बच्चे इसका रीजन नहीं है, इरेगुलर ट्रेंड है, बिल्कुल इरेगुलर ट्रेंड है, ठीक है। हमें मेन इसपे, हाँ हाँ बोलो बोलो। तो मैम ये वैनेडियम एक्सेप्शन में नहीं आएगा क्योंकि उसकी भी तो कम हो रही है। उसकी कम हो रही है, उसके लिए कुछ और फैक्टर बच्चे डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ
हमें सिर्फ क्रोमियम और जिंक का एक्सप्लेनेशन देखना है क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है बच्चे. ओके मैम. ठीक है, जब आप बुक्स में देखोगे तो कहोगे इरेगुलर ट्रेंड, मतलब जब बुक्स देखोगे आप तो नहीं कहोगे, भैया बुक की लैंग्वेज बोलेगी कि इरेगुलर ट्रेंड है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है क्रोमियम और जिंक वाले का जो कि इम्पोर्टेंट है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो क्रोमियम की बच्चे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. क्यों कम होती है देखो इधर, क्योंकि क्रोमियम का क्या होता है 24 एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन 18, 4s1, 3d5 यही होता है बच्चे. यस मैम. यही होता है. तो जब आप बच्चे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा, तो आपको क्या मिलेगा 3d5 विच इज हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, विच इज हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन. ठीक है, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, इस वजह से इसकी कम थी 653. रीजन क्या है, बिकॉज क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. दूसरा पॉइंट, जिंक की इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि जिंक के केस में क्या होता है बच्चे, आर्गन 18, और पल्ले पड़ रहे क्या बोल जा रही हूँ मैं. यस मैम. हाँ बाकी सब मैम. 4s2 3d10 ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल है. ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट देखो कितनी ज्यादा है, 9 under 6. ठीक है, हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है ना रीजन, छोटा छोटा पॉइंट बना के इसलिए लिख रही हूँ. यस मैम. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है लिखो क्रोमियम एंड कॉपर टाइम होने वाला. क्रोमियम एंड कॉपर एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन. यानी कि मैं बात करूं जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला वहां से. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये उसकी कॉन्फिगरेशन होगी, लेकिन अगर मैं बात करूंगी क्या होता है ना. हाँ, D10 जिंक का होता है ना. कॉपर का क्या होता है 4s1 3d10, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे D10 फुल्ली स्टेबल हो जाएगी ना, उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन लिखो एंड द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट. क्यों बच्चे बोलो. स्टेबिलिटी. देखो क्रोमियम का जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो 3d5 बन रहा था, कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3d10 बन रहा था. अगर आप इनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो बहुत ज्यादा होगी. क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है बच्चे, फुल्ली एंड हाफ फिल कॉन्फिगरेशन. बच्चे टेंशन ना लो, जो मैं लिख रही हूँ सबको एज इट इज मिल जाएगा सब कुछ. ठीक है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी. तो इसका जो ट्रेंड आता है यहाँ पे देखो, आना तो क्या चाहिए, वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज आना चाहिए, लेकिन होता क्या है बच्चे, हाफ स्टेबल की वजह से क्या होता है, क्रोमियम का ज्यादा हो जाता है मैग्नीज से. समझे इस चीज को. हाँ मैम. ऐसे ही निकल कॉपर के बाद आना चाहिए जिंक का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फुल्ली स्टेबल होने की वजह से जिंक का कम होता है और कॉपर का क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है. तो ये एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है. इसमें तो कोई रटने का नहीं है, समझने का था ये तो. यस मैम. ठीक है, वैनेडियम का क्या होता है, तो कर रही हूँ. मनोज आप बोल रहे हो. यस मैम. देखो बेटा, देखो क्रोमियम का जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो मनोज, तो आपको ये कॉन्फिगरेशन मिल जाती है ना. ऐसी कॉपर का निकाल दे तो ये मिल जाती है. लेकिन अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा इसमें से, तो ये हाफ फिल्ड और फुल्ली स्टेबल है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. जबकि अगर मैं बात करूं बच्चे मैग्नीज में क्या होता है, 4s2 4s1 3d5, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है. अगर आप उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें हाफ स्टेबल मिल रही है कॉन्फिगरेशन. ठीक है, होनी तो चाहिए MN की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि भैया लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, लेकिन क्रोमियम की ज्यादा होती है ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन. ऐसे ही कॉपर की ज्यादा होती है जिंक से. मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात. कॉपर की इसलिए होती है ना ड्यू टू फुली फील्ड. किसकी, कॉपर की.
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखो बेटा, अरे मेरे को एक पेज और चाहिए होगा भाई, एक मिनट रुको, कहाँ पे आ गई थी मैं, कितना करा दिया भाई मैंने, एक मिनट रुक दो। हाँ चलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, लिखो, मैग्नीज इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, क्यों, कौन बताएगा, क्योंकि Mn प्लस टू, जब आप दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d5 बन जाएगा, ये क्या है, 3d5 हाफ फील्ड हो जाएगा, और जब इसमें से भैया तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर आयनाइजेशन एनर्जी 3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई। नेक्स्ट लिखो, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लिखो, जब 810 होगी ना मुझे बता देना, 810 होते ही बता देना, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, एक सेकंड, फोर चेंज Fe2 प्लस से Fe3 प्लस इज वेरी स्मॉल, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा कि भैया Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में आप जब चेंज करोगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, कौन एक्सप्लेन करेगा। मैम दो इलेक्ट्रॉन्स तो फॉरेस्ट से निकलेंगे और हाफ फील्ड हो जाएगा जब डी से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। हाँ देखो Fe2 प्लस की ये कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, जब आप इसमें से मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसकी बन जाएगी आर्गन 18 3d5, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे ही ये क्या बन रही है, हाफ फील्ड बन रही है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हमें तो ये चाहिए, तभी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का जो चेंज है वो थोड़ा कम है, स्मॉल है, ठीक है। यही पॉइंट पूछे जाते हैं बच्चे पेपर में, ठीक है। चलो समझ में आ गया, बोलो। यस मैम। हाँ मैम समझ आ गया। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या हो गया खुशबू, अगर मैं पूछूं बच्चे आयरन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आयरन की या मैग्नीज की, कौन बताएगा। मैग्नीज की। शाबाश, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, क्यों, क्यों होगी भैया, क्योंकि आयरन में क्या था बच्चे 3d5 था, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आप d5 से निकाल रहे हो, फुल हाफ फील्ड है, जबकि इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन कब किसमें से निकाल रहे हो, 6 में से निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसकी ज्यादा होगी, तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। बोलो मैम, मैम इसे एक और बार रिपीट कर दो। क्या हो गया बेटा, क्या रिपीट करूं मैम, जो अभी आपने मैग्नीशियम का बताया था ना, बच्चे मैं ये बोल रही हूँ कि मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी आयरन की, तो मैग्नीज की ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नीज में आप D5 से निकालोगे विच इज ऑलरेडी अ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ना, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट इन केस ऑफ आयरन 2 प्लस 3d6 डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको हाफ फील्ड मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी चेंज इतना ज्यादा नहीं होगा, आई मीन कम एनर्जी में ही निकल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे हाफ फील्ड मिल रहा है। अरे बस भाई बातें बंद। ओके मैम जी, ओके, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा, एक सेकंड देख लूं मैं कुछ रह तो नहीं गया। ओके ठीक है, उसके अलावा था ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, डी ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट अभी रहता है, वही टॉपिक इसके बाद कराऊंगी। एक बार बस ये वाला पॉइंट लिख लो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मैं सोच रही हूँ ऑक्सीडेशन वाला फिर नेक्स्ट लेक्चर में कराऊं, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d आर हायर देन 3d और 4d, क्यों, लिखो इसको क्यों, बिकॉज of poor shielding effect of poor shielding effect of 4f electron, या लिख दो सिंपल लिख दो f orbital, which result decrease in size। वैसे तो तुम्हें पता है 3d से भैया 4d से नीचे 5d आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाता है,
लेकिन भैया 5D की ionization energy first ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि 5D के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भरने फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है. और तुम्हें पता है f का सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है आपकी 5D सीरीज की. तो एक ये भी ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो कर देंगे. तो लिख लो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, SPDF. हाँ, वैसे तो मुझे इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे करवाना था, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा उसमें बताने वाला कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा. तो हम क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट कवर कर लेंगे सारा. कैटेलिटिक प्रॉपर्टी छोटी सी है, बताती हूँ. हाँ हाँ बोलो. ब्लॉक में स्मॉल साइज क्यों था? किसमें? एफ ब्लॉक में, बता रही हूँ. देखो बच्चे, एफ ऑर्बिटल की मिशबा सुनो, एफ ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, राइट, पुअर होता है. तो पुअर होने की वजह से क्या होगा, वो इतने अच्छे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएंगे ना, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो जो न्यूक्लियर चार्ज है और जो आपका न्यूक्लियस है और जो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, उनमें क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली पुल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा. अगर साइज डिक्रीज हो गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, किसमें से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. इसलिए मैंने ये बोला है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D आर हायर देन 3D और 5D, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे बच्चे, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, कलर वाला मैग्नेटिक भी खत्म कर देंगे, ट्राई करेंगे. मेरे को लग रहा था आज ये हो जाएगा बट हुआ नहीं ऐसा कुछ, चलो कोई बात नहीं है. मैम एलॉय तो फिर नेक्स्ट में हो पाएगा, इंटरस्टीशियल और एलॉय. हाँ एलॉय और इंटरस्टीशियल, इसको तो मैं 10 मिनट में निपटाऊंगी. कैटालिटिक वाले को, इंटरस्टीशियल को और एलॉय को फटाक से निपटाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, फटाफट से. मेन हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कलर और मैग्नेटिक बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है. मैग्नेटिक वाला वैसे मैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से. हाँ, क्रोमियम और कॉपर में जो एक्सेप्शन का रीजन क्या है, आपने बताया था वो एक तो और बार. बच्चे क्रोमियम में क्या होता है, देखो 4s2 3d4 होना चाहिए, है ना, लेकिन एनर्जी डिफरेंस इसमें कम होने की वजह से, मतलब जैसे देखो मान लो ये 3d है, थोड़ा सा बकवास सा बना दिया, 3d है और ये 4s है, तो दोनों में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी ऑर्बिटल में जा सकता है, ठीक है. तो 4s1 3d5 हो जाता है, क्योंकि रीजन बीइंग कि d5 इज योर हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन. कॉपर में क्या हो जाता है, 4s1 3d10 व्हिच इज फुल्ली स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ठीक है. हाँ जी मैम, 8-10. हाँ मैं बता, हाँ बोलो बोलो. मैम जी मुझे सिर्फ एक बार प्लीज ये बता दो कि 3D और 4D बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसका मतलब समझ में नहीं आया. देखो इधर बच्चे, एफ ऑर्बिटल का ना क्या होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है. जैसे देखो इधर देखो, मान लो यहाँ पे ना एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे तुम्हारे एस इलेक्ट्रॉन है जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है. शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करने की पावर कम है, तो ये भैया क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को ना शील्ड नहीं कर पाते हैं. शील्ड ना करने का मतलब क्या होगा, जो ये न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत अच्छा खासा फेस करेंगे, ठीक है. तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो भैया न्यूक्लियस और जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है. अगर मान लो यहाँ पे एस के इलेक्ट्रॉन या पी के इलेक्ट्रॉन होते तो वो अच्छे से इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करके रखते, ठीक है. आगे बिल्कुल एक जैसे तुम फोन पे क्या लगाते हो, स्क्रीन गार्ड लगवाते हो ना. यस मैम. स्क्रीन गार्ड क्या करता है, फोन को टूटने से बचाता है, राइट. तो ऐसे ही ये क्या करता है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ताकि कम हो, उनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है. अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और जो तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच कम होता है,
ठीक है, जैसे स्पिन गार्ड का काम होता है वैसे भैया इन वाले इलेक्ट्रॉन का काम होता है जिनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। लेकिन भैया शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर है, अगर तुमने सस्ता वाला स्पिन गार्ड लगा रखा है तो गिरते ही टूट जाएगा तुम्हारा फोन, ठीक है। ऐसी अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो भैया स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तुम्हारे न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है जी। मैम साइज भी इनका डिक्रीज हो जाता है। हाँ साइज भी डिक्रीज, क्योंकि खींचेंगे तो अंदर की तरफ पुश होंगे ना ऑर्बिटल, ठीक है मैम जी। चलो चलो मैम जी आप इनके नोट्स भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगी बेटा, रात को भेजूंगी 10 बजे तक। अभी मेरा एक और लेक्चर है, उनको कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करवाना आज, ठीक है। तो मैम जी गुड इवनिंग। ओके।